गाइस, मैं आज की वीडियो में आप लोग को टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट वर्सेस निगमा गैलेक्सी की फाइट दिखाऊंगा और ये फाइट से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे बैक ऑफ कैसे लेते हैं, एक स्नाइपर टीम के लिए कितना जरूरी होता है और भी बहुत कुछ। तो आप लोग वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मैच स्टार्ट होता है बर्मुडा के मैप में और आप लोग यहाँ पर प्लेन पाथ को देखो, प्लेन पाथ एकदम नॉर्मल होता है। तो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट उतरती है मिल में और जो निग्मा गैलेक्सी होती है वो उतरती है पीक में। फिर टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट मिल को अच्छे से लूट करने के बाद पीक की साइड को रोटेशन मारना स्टार्ट करती है। अब आप लोग मिनी मैप को ध्यान से देखो, ब्लू कलर में निग्मा गैलेक्सी, रेड कलर में टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट। ब्लू कलर में वासियों को देखो, वो अपनी टीम से कितना ज्यादा दूर है और उनके जस्ट सामने टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट है। वासियों को जैसे ही पता चलता है उनके सामने टीम है तो वासियों तुरंत बैक ऑफ ले रहे होते हैं, बट टीजी माफिया वाला वासियों को देख लेते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। तो वासियों कोरोनो और वॉल ला के बच जाते हैं और ऊपर रेंज में चले जाते हैं ताकि टीजी रोहित और टीजी माफिया वाला उनको देख ना पाए और उन पर फायर ना करे। बट टीजी जिलीट वासियों के पास कार लेके आ रहे होते हैं तो वासियों के आगे बाइक होती है और वासियों ने मीसा की कैरेक्टर स्किल भी लगाई होती है, तो वासियों बाइक में बैठ जाते हैं और अपनी टीम के पास जा रहे होते हैं कवर में। तो जो टीजी रोहित होते हैं वो ओपन में खड़े होकर वासियों को मार रहे होते हैं, तो निग्मा गैलेक्सी के ताहिर टीजी रोहित को वन टाइम मार के नॉक कर देते हैं। तो टीजी माफिया वाला तुरंत रोहित के आगे वॉल लगाते हैं और रोहित को रिवाइव देते हैं। और दूसरी साइड जो वासी होते हैं कवर में चले जाते हैं और अपनी टीम के पास सेफली पहुंच जाते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर यह सीखने को मिला, अगर आपके सामने पूरी स्क्वाड आ जाए तो आप लोग बैकऑफ कैसे ले सकते हो और अपनी टीम के पास कैसे पहुंच सकते हो। अब फाइट में वापस आते हैं, माफिया वाले ने जो वॉल लगाई होती है टीजी रोहित को रिवाइव देने के लिए, तो उन्होंने वॉल थोड़ी गलत लगा दी होती है, तो जो वासी होते हैं वो माफिया वालों को बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। तो माफिया वाला कोरोनो चला लेते हैं और उसी टाइम जो टीजी माफिया होते हैं वो वासियों को स्नाइपर से नॉक कर देते हैं, और जो निग्मा गैलेक्सी के सोहम होते हैं वो माफिया वालों को नॉक कर देते हैं और उसी टाइम टीजी माफिया सोहम को भी नॉक कर देते हैं। अब दोनों टीम के दो दो प्लेयर नॉक होते हैं, तो जो टीजी माफिया होते हैं वो माफिया वाला और रोहित को रिवाइव देने के लिए जाते हैं और जो ताहिर होते हैं वो वासियों और सोहम को रिवाइव देने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ देखने को मिली होगी, अगर आपकी टीम में प्रॉपर स्नाइपर है तो वो आप लोग को कितना कवर दे सकता है और कितनी जल्दी नॉक निकाल सकता है। अब फाइट में आगे बढ़ते हैं, जो टीजी डिलीट होते हैं वो निग्मा गैलेक्सी पर रश कर देते हैं और जैसे ही रोहित और माफिया वाले भी रिवाइव हो जाते हैं वो भी डिलीट के पास चले जाते हैं डिलीट को सपोर्ट देने के लिए। तो जो वासियो होते हैं वो अभी रिवाइव हुए होते हैं और उन्होंने मेडिकेट नहीं मारा होता है, तो टीजी डिलीट उनको एक गोली मार के उनको नॉक कर देते हैं और वासियो ताहिर के बगल में नॉक होते हैं, तो ताहिर कोरोनो चला के टीजी रोहित को वन टाइम मार के नॉक कर देते हैं और वासियो को रिवाइव दे रहे होते हैं। और उसी टाइम सोहम टीजी माफिया को नॉक कर देते हैं, तो टीजी डिलीट माफिया को रिवाइव दे रहे होते हैं और जो सोहम होते हैं वो वासियों को रिवाइव दे रहे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे निग्मा गैलेक्सी के एक्स डिवाइन का है, जो एक्स डिवाइन होते हैं वो पीछे से कवर दे रहे होते हैं, बट टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट को पता होता है पीछे से एक प्लेयर कवर दे रहा है तो वो इस तरीके से फाइट करते हैं कि एक्स डिवाइन का उन पर एम ही नहीं आता है। तो टीजी डिलीट वासियों को फिर नॉक कर देते हैं और जो टीजी माफिया होते हैं वो सोहम को नॉक कर देते हैं, तो अब एक्स डिवाइन अकेले बचते हैं, तो एक्स डिवाइन बैक ऑफ ले लेते हैं और वो पीछे भाग जाते हैं। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में 350 लाइक करा देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।